गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स के किस तरह से एबायोटिक फैक्टर किस तरह से इफेक्ट करते हैं किसी जगह पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को। और कल हमने जो पढ़ा था वो था टेम्परेचर, आज हम पढ़ेंगे वाटर। वाटर की प्रेजेंस डायरेक्टली इफेक्ट करती है कि किसी जगह पर वेजिटेशन कैसी पाई जाएगी, और वेजिटेशन का ओवर डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि वहां पर एनिमल्स कैसे पाए जाएंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि इनके पास वाटर काफी अबंडेंस में होता है, तभी उनको लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, सैलिनिटी, कि उस वाटर का पीएच और सॉल्ट कंसेंट्रेशन कैसा है। एंड ये लिमिटिंग फैक्टर होता है। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैराइन वाटर में ही रह सकते हैं, तो उनकी एडेप्टेशन किस वजह से है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन के हिसाब से। जैसे कि सैलिनिटी का इन्होंने एग्जांपल दिया है, सैलिनिटी को कैसे नापते हैं, पार्ट्स पर 1000, यानी कि पर 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल्स उसमें हैं सॉल्ट के, तो ये एक तरह से कंसेंट्रेशन सॉल्ट की नापी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी। इनलैंड वाटर्स में ये लेस देन 5 होती है। इनलैंड वाटर्स, इनलैंड वाटर का मतलब फ्रेश वाटर, अंदर ही लेस देन 5 होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक्स बहुत ही कम है। 30 से 35 किस्में है सी में, 30 से 35 होती है सी में, यानी कि ज्यादा है, और 100% है किसमें, हाइपर सेलाइन लेगून। हाइपर सेलाइन शब्द का मतलब ये कि जिसमें सेलिनिटी बहुत ज्यादा है, और लेगून, लेगून किसे कहते हैं, लेगून मैंने एक डायग्राम बना के बताया था, जब किसी लैंड के अंदर समुद्र की एंट्री हुई है और उसने एक वाटर बॉडी बना ली है, जैसे खारे पानी की झील, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको लेगून कहते हैं। इसके बाद अब यहां पर इन्होंने कुछ दो टर्म्स दिए कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग सॉल्ट कंसेंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, उसके बेसिस पर उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक तो यूरी हेलाइन और एक स्टीनो हेलाइन, स्टीनो हेलाइन। ये यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन क्या होता है, यूरी हेलाइन का मतलब है जो वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी में जो सर्वाइव करता है उनको कहेंगे यूरी हेलाइन, और जो नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी में सर्वाइव करता है उनको कहेंगे स्टीनो हेलाइन। इसका मतलब क्या होगा, जो स्टीनो हेलाइन है वो एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में ही सर्वाइव कर पाते हैं, इसीलिए कभी भी माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, ये जिस हैबिटेट में रहते हैं उसी हैबिटेट में रहेंगे। यूरी हेलाइन कैसे होंगे, ये माइग्रेट कर पाएंगे क्योंकि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये कुछ कुछ वैसे ही था जैसे कि हमने यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल पढ़ा था। अब यहां पर कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि वाटर की जो प्रेजेंस होती है उस प्रेजेंस की कई बार इतनी लिमिटेड होती है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही ड्राई कंडीशंस यानी कि एरिड कंडीशंस में पाए जाते हैं। जैसे कि जो वाटर प्लांट्स होंगे उनके पास स्पेशल एडेप्टेशंस होंगी, है ना, उनके स्टोमेटा संकरण होंगे और लीफ के सरफेस पर क्यूटिकल थिक होगा, और उनके स्टोमेटा हमेशा क्लोज रहेंगे, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा रहेंगे, इस तरह की एडेप्टेशंस होंगी। और उसी तरह से एनिमल्स में भी क्या होगा कि उनकी स्किन स्केली और ड्राई होगी, किसको बचाने के लिए, फोटो वाटर के लॉस को बचाने के लिए, जिसको स्वेटिंग या फिर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तुमने कैमल के केस में भी देखा हो कि कैमल में कितनी सारी एडेप्टेशंस पाई जाती हैं ड्राई हैबिटेट में रहने के लिए। अब आती है बात लाइट की, नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट। लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर लाइट कम प्रेजेंट होती है या फिर ज्यादा प्रेजेंट होती है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। वो प्लांट्स जो कि फॉरेस्ट के बॉटम में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर वाले प्लांट्स की से जो छन छन के थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है उसी की मदद से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ भी कई बार कम होती है।
देखो लिखा है इन्होंने, मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवर शेडोड बाई टॉल कैनोपी ट्रीज। यानी कि जिनका ऊपर का जो कवर है ट्रीज का वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो नीचे का काफी एरिया घेर लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स जो होते हैं उनको एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि लाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो उनकी फ्लावरिंग को भी इफेक्ट करता है। ये टर्म हमने 11th क्लास में पढ़ी कि लाइट की जो ड्यूरेशन यानी पीरियड है वो फ्लावरिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एनिमल्स के केस में भी हम फोटो पीरियोडिज्म देखते हैं। जो दिन में जानवर निकलते हैं उनको कहते हैं डाइअर्नल, है ना, जो रात में निकलते हैं उनको क्या कहते हैं नॉक्टर्नल, यानी दिनचर और रात्रिचर ये निशाचर, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं उनकी, फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। फोरेजिंग का मतलब होता है चरण, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यानी कि जो पार्टनर है उसके साथ मेटिंग, और फिर तीसरा क्या आ गया, माइग्रेटरी यानी कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए भी वो उसी समय का उपयोग करते हैं जो उनके लिए सूटेबल है। रात्रिचर होंगे तो रात को और दिनचर होंगे तो दिन को। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर लाइट इंसिडेंट है तो टेम्परेचर भी वहां पर ऑप्टिमम होगा, लेकिन अगर लाइट नहीं है अंधेरा है तो टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, ऐसा देखने में आता है क्योंकि दोनों का एक ही सोर्स है। अब बताएं इन्होंने ओशंस के बारे में कि ओशंस में जितना डीप जाते जाएं उतना ही लाइट का पेनिट्रेशन कम होता जाता है, इसीलिए समुद्र के या किसी भी वाटर बॉडी के बॉटम में ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप कर सकते हैं। सपोज करो ये वाटर बॉडी, इससे बॉटम में कौन सी एलगी पाई जाएंगी, इसमें यहाँ पाई जाएंगी रेड एलगी, क्योंकि वो रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं, जिस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि रेड कलर वेव इंसिडेंट जब होगी तब उसको ये एब्जॉर्ब कर पाएंगी, है ना। और ऊपर की तरफ हमें कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप कर सके, यानी कि ऊपर वाली जो जोन होती है किसी भी वाटर बॉडी की उसको हम कहते हैं फोटिक, क्योंकि यहाँ पर फोटॉन्स एंटर कर सकते हैं इसलिए से फोटिक कहते हैं। सरफेस पर ही कई सारे फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गी और दूसरे ऑर्गेनिज्म हमें तैरते मिल जाते हैं, जैसे डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स, जिनको एक नाम देते हैं फाइटोप्लैंकटन। फाइटो मीन्स प्लांट्स और प्लैंकटन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्री स्विमर्स हैं, पानी के धारा के साथ बहते चले जाते हैं, उनके पास खुद का अपने आप से तैरने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, उनको प्लैंकटन कहते हैं। फाइटो उसके आगे लगे इसका मतलब वो प्लांट्स हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंकटन। और ये जो फोटिक जोन है इसमें इनके अलावा दूसरे एल्गी भी ग्रो करते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी, ज्यादातर ग्रीन एल्गी ग्रो करते हैं, ब्राउन और रेड एल्गी डीपर लेयर्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। ये वाली बातें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी फूड चेन हो, भले ही वो समुद्र के बॉटम में हो, वहां पर जो कोई ना कोई प्रोड्यूसर तो होगा ही। अब यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जब ये ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, यहाँ पर तली में हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स या सॉइल इकट्ठा होती रहती है, उन पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पर स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। जो तली में ग्रो होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं बेंथोस। किस तरह की मिट्टी या किस तरह के पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे या बने होंगे या बनेंगे वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर किस तरह के ऑर्गेनिज्म यानी कि बेंथिक या बेंथोस सर्वाइव करते हैं। ये बात मैंने एक बार पहले भी बताई थी, ठीक है। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं आगे।
यूवी रेडिएशन जो सन की होती है वो कई बार डीपर लेयर्स तक पहुंच जाती है, तो कई बार वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकती है एनर्जी का उन ऑर्गेनिज्म के लिए तो किसी भी वाटर बॉडी के डीप में सर्वाइव कर रहे हैं। इसके बाद एमंग रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन डीपेस्ट वाटर्स एंड वॉय, इसका आंसर मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसका आंसर है रेड एल्गी। और रीजन भी उसका वही है कि वो सबसे लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आता है सॉइल। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी जगह पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को डिसाइड करने वाला। सॉइल क्या चीज? सॉइल एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है ना, तो कंपाउंड नहीं है और ना ही होमोजीनस है। और उसका रीजन ये है कि ऊपर के सरफेस पर हमें अलग तरह के पार्टिकल्स दिखते हैं, जैसे जैसे नीचे की लेयर्स में आते हैं हमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स दिखते हैं। ये क्या हुआ? हेटेरोजीनस मिक्सचर है ना, किस चीज का मिक्सचर है? अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का मिक्सचर है, उसमें सेंड क्ले पेबल्स है ना अलग अलग साइज के हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ह्यूमस के रूप में प्रेजेंट होता है। सॉइल के सबसे ऊपर की लेयर में प्रेजेंट और एक ऐसा एमोर्फस ऑर्गेनिक मैटर जो कि डार्क कलर का होता है उसको कहते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस की डेफिनेशन है ना, डार्क ऑर्गेनिक एमोर्फस मैटर फाउंड इन द टॉप सॉइल ऑफ या टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज ह्यूमस। और ह्यूमस का फंक्शन ये होता है कि सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता को बनाता है। इसका अपना कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, ठीक है। एक एक बात को इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब देखो सॉइल में इन्होंने और क्या क्या लिखा है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अब किसी जगह की सॉइल की प्रॉपर्टी इस बात से डिसाइड होती है कि उसके आसपास किस तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं रॉक्स के वेदरिंग से वो सॉइल बनी है। सॉइल या तो ट्रांसपोर्टेड होती है या फिर सेडिमेंट्री होती है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब किसी बाढ़ में बहुत सारी मिट्टी बहके आ गई किसी जगह पर इकट्ठी होगी तो वो ट्रांसपोर्टेड कहलाती है। और सेडिमेंट्री वो होती है जिसमें एक के बाद एक पार्टिकल्स जमा होते गए और उन्होंने एक लेयर बना ली। सॉइल के कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं? जैसे कि ग्रेन साइज, जिसको हम पार्टिकल साइज भी कहते हैं। पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है, जैसे सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और बड़े होने की वजह से क्या होता है, वो वाटर को कम रिटेन कर पाते हैं। इसके अलावा एग्रीगेशन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। और परकोलेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर का सॉइल की लेयर से होते हुए नीचे की तरफ मूव करना उसको परकोलेशन कहते हैं। परकोलेशन मतलब पार्टिकल से होते हुए पोर से होते हुए नीचे जाना। और कौन से पैरामीटर्स होते हैं सॉइल के, जैसे कि पीएच है ना, पीएच किससे डिसाइड होगा कि किस कौन सा मिनरल उसकी बनाते हैं, किन मिनरल कंपोजिशन उसकी क्या है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस फीचर्स, जैसे अब किसी जगह पर हो सकता है पठार, किसी जगह पर हो सकता है मैदान और किसी जगह पर हो सकता है पर्वत। तो ये अलग अलग तरह की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं या सरफेस फीचर्स हैं इसको टोपोग्राफी कहते हैं। डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया, तो ये सब सॉइल की जो ये सब फीचर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि वहां पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। और वेजिटेशन से फिर क्या डिसाइड होता है कि वहां पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे। तो ये तो थे एबायोटिक फैक्टर्स जो हमने एक एक करके स्टडी किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है
रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर जब बदलते हैं तो ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, क्या एडेप्ट कर लेते हैं या फिर कुछ दूसरे तरीके से चेंज होते हैं, वही यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब जब कंडीशंस चेंज होती है तो उन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ गई है। अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अगर अपने आप को बदल लेता है, यानी कि उसमें ये क्षमता है कि वो अपने शरीर का अंदरूनी एटमॉस्फेयर यानी इंटरनल एटमॉस्फेयर चेंज कर ले एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस पर मैं एक बार पहले भी पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे 11th क्लास में हॉर्मोन्स के बारे में। एक साइंटिस्ट थे क्लॉड बर्नार्ड, उन्होंने सबसे पहले होमियोस्टेसिस का कंसेप्ट दिया था। तो वो ये कह रहे थे कि अगर बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बदलने की क्षमता ऑर्गेनिज्म में है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसके एग्जांपल्स देखो क्या है, अगर टेम्परेचर हम अपनी बॉडी का वेरी कर सकते हैं, या ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन यानी कि वाटर और लिक्विड वाटर और सॉल्ट कंटेंट को वेरी कर सकते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो इससे चेंज करने से होता क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर एडेप्टेड हो जाता है। जैसे कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये जब गर्मी होती है तो स्वेटिंग की वजह से अपनी बॉडी को कूल कर लेते हैं, और उसी तरह से जब ठंड बढ़ती है तो वो शिवरिंग यानी कि कपकपी से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं और ठंड से बच जाते हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल दिया उन्होंने, लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 विशेस टू मेंटेन इट सो, तो 25 डिग्री मेंटेन वो कैसे करेगा, जब बाहर फ्रीजिंग कोल्ड होगा तो वो क्या करेगा, एक हीटर जलाएगा, है ना, अपना हीट का कोई प्रबंध करेगा। लेकिन अगर इसका ठीक विपरीत हो कि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं और उसे अंदर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो क्या करेगा, कोई कूलर एयर कंडीशनर या कोई और दूसरी तरीका यूज करेगा जिससे कि वो कूल फील कर सके। तो ये होमियोस्टेसिस कैसा है, जो उसने हीटर यूज किया या एसी यूज किया, ये आर्टिफिशियल होमियोस्टेसिस है। लेकिन बॉडी में भी ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, और वो मैकेनिज्म क्या होते हैं वही हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले हम एक फिगर देखते हैं, फिगर 13.3। 13.3 फिगर में हमें एक ग्राफ दिखाया है, इस ग्राफ में एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में ग्राफ है। ये क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल, इसका मतलब ये है अगर कोई वैल्यू कोई भी फैक्टर बाहर अगर घटता है बढ़ता है तो अंदर वो उस तरह का है या नहीं। सपोज करो जैसा बाहर हो रहा है, जैसे सपोज करो बाहर की टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ता जाए यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। और इस तरह का ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कन्फर्मर्स, यानी कि जैसी बाहर की कंडीशन वैसे ही अंदर की कंडीशन। बाहर अगर बहुत ठंड हो गई तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है, बाहर अगर बहुत गर्मी होती है तो उनकी बॉडी गर्म हो जाती है। ऐसा सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, ऐसा हर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जैसे वाटर और सॉल्ट कंसेंट्रेशन। इसके बाद इन्होंने दिया है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का मतलब वो होते हैं जिनका इंटरनल जो होता है वैल्यू किसी भी चीज की वो कॉन्स्टेंट बनी रहती है, एक्सटर्नल कितना भी बढ़ता चला जाए। तो इनका ग्राफ बनेगा ऐसा, इनको हम कहेंगे रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स के एग्जांपल कौन होते हैं, रेगुलेटर्स के एग्जांपल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्पेसिफिक वैल्यू किसी चीज की मेंटेन करते रहते हैं। एग्जांपल मैंने क्या बताया, टेम्परेचर।
कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भी उन्होंने बॉडी में स्वेटिंग के थ्रू कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस कर लिया, उनको रेगुलेटर्स पहले। अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, यानी कि वो एक लिमिट तक तो रेगुलेट कर पाते हैं लेकिन उसके बाद उनमें रेगुलेशन की क्षमता नहीं। एक सीमा तक वो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट इंटरनल वैल्यू उस चीज की मेंटेन करके रखेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कन्फर्मेशन। तो हमारी बुक में जो ग्राफ दिया है वो पार्शियल रेगुलेटर्स का ऐसे करके ऐसे दिया है, ये रॉन्ग ग्राफ है, जो ग्राफ मैं बनाने वाला हूँ ये सही ग्राफ है, इसको देखो कैसा। तो इंटरनल वैल्यू एक लिमिट तक कैसी होगी, ऐसे होगी है ना, कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद वो कैसी हो जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनने की बजाय ऐसे बनेंगे, इसको क्या कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर। तो ये तो थे कि रिस्पॉन्स किस तरह से दिखाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स या फिर पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल।